एपिक रहे वो 2 साल, और उसके बाद नाउ वी आर इन 2019. सो क्या फाइनली अभी भी हम टीम में ही है, देखो टीम से बाहर नहीं निकले हैं. बढ़ने वाली है हमारे घर यूज सुनना तो नया धंधा स्टार्टअप टीम का ही करना भाई. सही बात सही बात. आशु भाई आजकल आपका चैनल काफी पॉपुलर चला हुआ है आशुतोष कौशिक के नाम से, जिसपे आप पब्लिक से इंटरेक्ट करते हैं और काफी अपने आपने स्टार्टअप शुरू किए हैं आपने काफी टीवी प्रोग्राम्स के, तो कुछ बताइए उसके बारे में. यूट्यूब चैनल शुरू करने का मेरा मकसद सबसे पहले था कि यार कुछ अपनी तरफ से चैरिटी की जाए, और चैरिटी किस तरह की जाए. में नागिन डांस करते हैं खूब. हाँ. तो लड़कियां क्यों नहीं करती? क्योंकि लड़कियां तो खुद ही नागिन होती हैं. और तेरे खुद ही नागिन हो, अपने बारे में खुद ही बता दिया. बाकी जब ज्यादा खा लेते हैं तो फिर डाइजेशन वो तो दिख रहा है, ज्यादा खाया भाई साहब. हाँ, दिख रहा है सामने. खैर आज तो मैंने बहुत ज्यादा खाया, आज मेरे कलीग का हैप्पी बर्थडे था. अच्छा हम ये पूछ रहे हैं, लोग कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता. हाँ जी वो तो, लेकिन दूसरे वाला अगर हो शानदार जबरदस्त तो भूल जाएगा. हाँ दूसरा तो भूल सकते हैं, पहला नहीं भूल सकते. तो मैंने कहा यार एक YouTube चैनल बनाते हैं, और उस पर मैं बातें भी वैसी ही करता हूँ जैसा एक तो मैं हूँ, पब्लिक से मस्ती मजाक, एक सोशल मैसेज भी, या एक डबल मीनिंग कुछ क्वेश्चन पूछ के. मॉरल ये रहता है कि सोशल मैसेज के साथ लोग हंसते हंसते उसको एंजॉय भी करें, और अपना अपना और जितना काम चला हुआ उसको लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो बिल्कुल. हाँ तो ये चैरिटी के लिए बैठे हैं, उसको चैरिटी ही करते हैं. बाकी तो ढाबा अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है. नहीं नहीं तो ये सहारनपुर के से ढाबा चलाते चलाते आप मुंबई कहाँ पहुंच गए, मतलब ये पहिया कैसा घुमा समय का? देखिए जो बात होती है ना, समय बड़ा बलवान. हाँ जी. और कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि यार मैं बॉम्बे जाऊंगा या कुछ था, और छोटे शहर से था और प्रायोरिटी ये थी कि छोटे शहर में ही जॉब ना करूँ, ऐसा कुछ करूँ जिससे लोगों को जॉब दे सकूँ. तो मैंने ढाबा शुरू किया और 8-10 लोगों को जॉब दी भाई. और ढाबा खोलने का मकसद ये भी था कि उस वक्त पैसे तो होते नहीं, और पिताजी से मांगो तो हाथ खड़े कर देते हैं, क्यों उन्हें अपने घोड़े लंगड़े दिखते हैं उस वक्त, सारे किसी काम के नहीं है. तो मम्मी ने अपना दयालुता दिखाते हुए, करुणा जिसे कहते हैं, 40,000 रुपये मेरे को दे दिए थे कि भाई मेरे पास तो यही है जो कर ले. शुक्र है तब नोटबंदी नहीं थी, वरना वो भी बेकार हो जाते. तो खैर मैंने उन 50,000 से ढाबा शुरू किया. मकसद ये था कि ढाबा खोलने का, एक तो छोटे बजट में था और दुकानें हमारे पास थी जिसमें हम ढाबा शुरू कर सकते थे. और ये भी था कि भाई शाम को गिन लो आपने क्या कमाया, सुबह देख लो आपने क्या लगाया है. तो सुबह से शाम तक के 12 घंटे के उस टाइम में ये पता चल जाता था कि आपने कमाया क्या है. और ये बात है 2003 या 2004 की, जब हम देखते थे पड़ोस की आंटियां या कोई आके बोलती थी हमारा लड़का तो दिल्ली नोएडा, क्योंकि हम सहारनपुर वाले अधिकतर दिल्ली नोएडा की तरफ ही मूव करते हैं जो बच्चे होते हैं वहाँ के, कि वहाँ इतना जॉब वगैरह का नहीं है तो धरी आते. तो उस वक्त 20 से 25 हज़ार की जॉब बड़ी मायने रखती थी. 25,000 रुपये ले रहा है उसका तो 2.5 लाख का पैकेज है. अच्छा मैं सोचता था मैं यार 5,000 रुपये शाम को यहाँ कमा लेता हूँ ढाबे पे, खाली कोई वैल्यू नहीं है कि अपने शहर में कमाता हूँ. गलत परसेप्शन नहीं है, मतलब शहर का सॉफ्टवेयर इंजीनियर अगर 25,000 कमा रहा है और ढाबे वाला अगर 50,000 कमा रहा है, पर इज्जत नहीं. परसेप्शन क्या है, एक लड़का मेरे पास आया कि भैया मैं HM हूँ. मैंने कहा भैया HM क्या होता है, हमने तो HM की घड़ी सुनी है. कह रहा जी HM मतलब मैं होटल मैनेजमेंट में मैंने गोल्ड मेडलिस्ट किया है. अच्छा तो मैंने कहा तू क्या चाहता है भाई? कह रहा भाई भैया मैं जॉब चाहता हूँ, जॉब ऐसी हो कम से कम 50-60,000 तो मेरी शुरुआत हो. मैंने पकड़ भाई ढाबे की चाबियां, 50-60 तू रख ले मुझे बता क्या देगा, और सुबह से शाम तक यहाँ बैठ के देख ले यहाँ पर क्या सेल आती है. ठीक है इतनी वैसे आ रही है, तू इसको संभाले तो मैं आगे जाऊँ. लेकिन उसको वो समझ नहीं आया, उसको जॉब समझ में आई, बिजनेस नहीं समझ आया. बिजनेस समझ नहीं आया,